ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुन्मितं येना तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा एंड प्रणाम टू ऑल डिवोटीज. तो सोच रहा था आज क्या टॉपिक के ऊपर चर्चा किया जाए. तो ऐसी प्रभुपाद का एक 1 मिनट वीडियो है जिसमें जिसमें प्रभुपाद को पूछते हैं, सबने देखा भी रहेगा कि भक्त पूछे कि प्रभुपाद हमने इतना पाप किया, वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो प्रभुपाद पूछे इतना पाप किया है कितना टाइम लगेगा हमको. तो प्रभुपाद जैसे पूरा एकदम आईज ओपन, 1 मिनट, इट्स जस्ट 1 मिनट, इफ यू सरेंडर कृष्णा विल गिव शेल्टर. बहुत बहुत एकदम पावरफुल वीडियो है. बोलता है यू डोंट नो कृष्णा से सर्व धर्म परित्यज माम एकम शरणम रज अहम सम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुच. तो प्रभुपाद बोलते हैं 1 मिनट, इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू सरेंडर. तो उसी टॉपिक के ऊपर सरेंडर जो है, तो हम बस देखेंगे क्या व्हाट इज सरेंडर. राधानाथ महाराज का एक फेमस एक अच्छा लेक्चर है, माया माया वोंट लेट यू गो टिल वी सरेंडर करके. उसमें महाराज बताते हैं कि जैसे मगरमच्छ है ना, वी आर इन द जॉस ऑफ माया, हम मगरमच्छ के अंदर है. तो जब तक एंड जब तक हम गजेंद्र का जो है ना वो अंदर से क्रंदन नहीं आता, तब तक हम उस तरह का हमको वी हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन टू गेट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया. महाराज बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कितने पॉपुलर हो, हम कितना ऑस्ट्रेलिटी किया है, ये नहीं मायने रखता, लेकिन ऑफ कोर्स मायने रखता है, लेकिन वो नहीं है अल्टीमेटली द डिग्री हाउ गजेंद्र सरेंडर, उस तरह का सरेंडर होना चाहिए. और महाराज बोलते हैं कि एडवांसमेंट इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस नॉट हाउ मेनी ऑस्ट्रेलिटीज वी हैव डन, हाउ मेनी राउंड्स वी चैंटेड, is the total surrender, that is total surrender that is Krishna expecting from us. Us level tak humko surrender expect karte hain. So it's very nice lecture, aadha ghante ka lecture hai, because in this time you only can listen that. So to ek bhakt tha, to us example mein to I think foreign mein kidhar to wo devotee morning ka aarti kar rahe the aise. To turant unka पुराना कंडीशनिंग जो ख्याल आया था, तो उनका पुराना हॉबी था कि वो स्काई वाटर में वो जो ना बोट होता है उसमें पकड़ के वो पूरा स्काई आई डोंट नो क्या बोलते हैं वो वाटर डाइविंग ऐसा है वो करते थे. देन तो उनको वो याद आ गया कि मैं ऐसा करता था, मैं इतना मेरा ऐसा लाइफ था मेटीरियल लाइफ में. तो वो क्या किया थी वो क्या सोचे थे, तो तुरंत उन्होंने आरती के बाद वो चले गए
पूरा चले गए. आई मीन ही लेफ्ट एंड ही जस्ट वेंट. तो एक दिन वो बहुत एंजॉय कर रहे थे पानी के अंदर बोट के पीछे पकड़ के ऐसा. तो क्या हो गया, एक दिन ऐसा देखा तो एक बड़ा शार्क पीछे आ रहा है. वो ऐसा डाइव कर रहा है, शार्क उनका पीछे पीछे आ रहा है. तो वो डर गया, अभी तो मृत्यु आ गई सामने सामने दिख रहा है. तो फिर वो बोले कि तो फिर वो मंगल आरती गाना चालू किया. तो मंगल आरती से भी शार्क गया नहीं. तो फिर बोले कि फिर नरसिंह आरती हम भी करते हैं ना, नरसिंह आरती. हम जब नरसिंह देव जो ट्रबल रहेगा तो हम लोग हमेशा बोलते हैं नरसिंह आरती गाओ, ये ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो गुड. तो वो नरसिंह आरती गाना चालू किए, फिर भी शार्क नहीं गया. वो भी पीछा पीछा ही आ रहा है. तो अभी क्या करे, फाइनली बोला कृष्णा आई एम होपलेस हेल्पलेस, मैंने गलती किया है, आई कंप्लीटली सरेंडर. जैसे ही उन्होंने ये बोला वो शार्क ने यू टर्न मार के चला गया. देन वो भक्त जो है वापस मंदिर में आ गया एंड ही बिकेम अ ग्रेट डिवोटी. तो ये पॉइंट है कि यू नो अंटिल हम उस होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस से हम लोग नहीं मांगेंगे सरेंडर. यू नो कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग दैट. ऑफ कोर्स वो भक्त सिंसियर था, अपना सारा सेवा किया था मंदिर में, इसलिए भगवान ने उनको ये किया, हेल्प किया. फिर और एक भक्त था अभी जगन्नाथ, एक फॉरेन डिवोटी आए थे जगन्नाथपुरी में. तो बोले कि जगन्नाथ जी को प्रे कर रहे थे, जगन्नाथ हाउ कैन आई बिकम हेल्पलेस एंड होपलेस, हाउ कैन आई बिकम, मैं कैसे आपके पास शरणागत हो जाऊं कंप्लीटली. तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर कैसे कर रहे थे कि तो उनके हाथ में सब ये था क्या, बैग पासपोर्ट सब था. तो जगन्नाथपुरी में एक चोर आके चला लेके गया पूरा, एक भी डॉक्यूमेंट बचा नहीं. सो पूरा का पूरा तभी देन ही रियलाइज की मैं पूरा चला गया. तो जगन्नाथ ने इंस्टेंटली बता दिया कि व्हाट इज मेंट बाय होपलेस एंड हेल्पलेस एंड टोटल सरेंडर. तो ऐसा नहीं कि तो हमको भी डर लगता है कभी कभार पूरा सरेंडर होने के लिए ना, हमको ये डर लगता है कि अरे पूरा सरेंडर होगा तो शायद भगवान मेरा मुझे पूरा ये फकीर बना देगा या मेरा लक्ष्मी लेके जाएगा भगवान पूरा सर. वो थोड़ा एक डर रहता है, एक फियर रहता है हमेशा, या मेरा कुछ ऐसा गड़बड़ ना कि मेरा वो टोटली डिपेंडेंट बना दे. तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना वो स्पेशल मर्सी होता है भगवान सब हरण कर लेते हैं, श्लोक आई डोंट रिमेम्बर. तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमको, हमारी स्थिति, हमारा कितना अटैचमेंट है उसके ऊपर है भगवान. यू नो किस ट्राइज टू गिव अस लाइक, अगर एक भक्त है वो अपना अपना ड्यूटी करता है, अपना जॉब करता है, वो सेवा लक्ष्मी भगवान के लिए लगाता है. तो भगवान ऐसा नहीं है कि वो पूरा हरण कर, ऐसा नहीं है. भगवान सीज द अटैचमेंट एंड ही जस्ट गिव्स अस द प्यूरिफिकेशन. तो सावंती ब्राह्मण की तरह हमें करेंगे नहीं सब लोग तो हेल्पलेस एंड होपलेस. कृष्णा कैन गिव यू रिचेस आल्सो इफ यू आर यूटिलाइजिंग, हम यूटिलाइज कर रहे हो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में. तो ऐसा नहीं है कि हम, तो एक फियर होता है सरेंडर के लिए बोलने का मतलब. तो हमको पूरा हम सरेंडर नहीं करते, हम थोड़ा अपने पास रखते है ना. तो ये सरेंडर का, तो हम सरेंडर का व्हाट इज एक्चुअली, हम कब कब सरेंडर करते हैं, हम जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना तो हम एक्चुअली सरेंडर करते हैं. व्हेन देयर इज लव वी विल एक्चुअली सरेंडर. तो हमें 100% हुआ नहीं है प्रेम भगवान के, तो हम थोड़ा पकड़ के रखते हैं सरेंडर के लिए. जैसे श्रील प्रभुपाद के लिए क्यों सब सरेंडर किए, क्योंकि प्रभुपाद गिव देम अनकंडीशनल लव. एंड इसलिए सब इतने विदेश भक्त में विदेशी लोग जाके इतने इतने समर्पण किए उन्होंने सरेंडर किए. दिस कंप्लीटली श्रील प्रभुपाद गेव देम लव. सो व्हेन देयर इज लव सरेंडर. एंड कृष्णा इज वेटिंग एक्चुअली फॉर अस. कृष्णा ने कितना अनलिमिटेड लव, एवरी सिचुएशन हमको डाला है कृष्णा ने, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन भी डाला है. एक्चुअली दैट इज हिज लव कि आपको और करीब लेके आने के लिए. ये हम समझते नहीं है, ये बात अलग है. ये हम समझते नहीं कि यू नो
श्री कृष्णा कितना प्रेम करते हैं, हमको समझते हो कृष्णा ने ऐसा क्यों डाला, ये सिचुएशन में क्यों डाला। अरे ऐसा नहीं, वी थिंक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे तीन मोड्स में हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों डाला, लेकिन मेगा प्लान होता है कृष्णा का। कृष्णा का जो सर्जरी होता है ना वो हमको लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते बोलते हैं ना कृष्णा ऐसा सर्जरी करना है, डॉक्टर को हम बोलते हैं ऐसा सर्जरी करो ना ऐसा ठीक होगा, लेकिन डॉक्टर को पता है ना कैसे सर्जरी करना है, और हमको पेन भी होता है सर्जरी करते समय। तो कृष्णा इज सोन में, तो हिस इज लव, सो हम सरेंडर का मतलब है कि हम वी आर रेसिप्रोकेटिंग टू कृष्णा, हम सरेंडर होके कृष्णा का रेसिप्रोकेट, कृष्णा इतना प्यार दिया है तो वी आर रेसिप्रोकेटिंग बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा। दैट इज द वे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर। और सरेंडर है कि हम कंफर्ट जोन से, यू नो, सुबह उठना है, वी आर आल्सो वन टाइप ऑफ शोइंग सरेंडर। अभी हम जपा में आ रहे हैं, कंफर्ट जोन से हम लोग ऊपर आना चाहिए। सरेंडर प्रोसेस है सकाम से निष्काम, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट से अनकंडीशनली सर्व करने का, दैट इज व्हाट वी कॉल सरेंडर। और मेन सरेंडर यानी कि सरेंडर टू गुरु वैष्णव, जब तक हम अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद को सरेंडर नहीं करेंगे, वी वोंट गेट दैट रियलाइजेशन, अनुभव। कृष्ण भावनामृत में अनुभव बहुत बहुत जरूरी है। आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बिकम वेरी ड्राई। तो हम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम गुरु के प्रति शरणागत हो गए तो विल गेट ट्रेमेंडस रियलाइजेशन, बहुत बहुत रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन से अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी वेरी हार्ड एज अ रॉक, बोलते हैं ना प्रभु, हनुमान नाम प्रभु बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी गेट रियलाइजेशन इन भक्ति, तो हम गुरु के पास शरणागत हो के तो मर्सी आ जाएगा, मर्सी से विल गेट रियलाइजेशन। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम गुरु के प्रति सरेंडर हो जाए। ऐसा नहीं कि ऐसा श्रील प्रभुपाद के टाइम, प्रभुपाद के साथ बहुत अटैच्ड है, यू नो, बापू एक वाणी होता है ना, तो ऐसा नहीं होना कि गुरु बोगी, गुरु को ऐसा बोलते हैं गुरु के साथ सेल्फी लेना, you know, and then वैसा नहीं है हमारा गुरु, और you know, then you will become गुरु त्यागी उसके बाद, फिर वो जो गुरु चले गए तो फिर you will also leave, so ज्यादातर बहुत जब प्रभुपाद चले गए तो बहुत सारे डिवोटीज चले भी गए, यू नो, कि उसके वजह से हो गया, तो उनके वाणी के ऊपर नहीं उन्होंने किया, पर्सनली ऑफ कोर्स वो प्रेम था, लेकिन वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो, जैसे कि राधानाथ महाराज और उन बहुत बहुत कम मिले है ना उनसे, फिर भी उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया महाराज ने। भक्ति विकास महाराज वो एक आध बार कुछ मिला, आइंद्र प्रभु एक कुछ मिला, लेकिन उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है। सो बहुत सारे हमारे डिवोटीज जो प्रभुपाद को मिले ही नहीं है, बट दे वर टोटली सरेंडर, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी के ऊपर उन्होंने उन्होंने मनन किया, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हम गुरु निष्ठा करेंगे, गुरु के ऊपर सरेंडर करेंगे, देन विल गेट नाम निष्ठा, नाम पे रुचि आ जाएगा, नाम में रुचि आना जस्ट मर्सी है, और कुछ नहीं, इट्स ओनली द मर्सी ऑफ गुरु एंड वैष्णव वी गेट नाम में रुचि। जैसे एक डिवोटी था, ऑफ कोर्स वी कांट इमिटेट, हमको उसका एग्जांपल लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रभुपाद का शिष्य था, तो प्रभुपाद उस शिष्य को कुकिंग का सेवा था उनका, तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद इतना पैक्ड है मेरे को मायापुर में सेवा में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊ, चैंटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो प्रभुपाद बोले नो यू डोंट डू चैंटिंग, आई विल टेक केयर ऑफ, हमको ऐसा बोले तो कितना हैप्पी हो जाएगी लेकिन वो उनका समर्पण देख के प्रभुपाद ने बोला कि, लेकिन ऐसा हो गया कि उन्होंने प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन सालों के साल फॉलो किया, और आखिरी जब वो ओल्ड एज हो गए तो सीधा उन्होंने 32-64 राउंड्स चालू कर दिया, उतना टेस्ट मिल गया, यू नो। तो जब गुरु का मर्सी आता है तो डेफिनेटली उसमें कोई देयर इज नो डाउट, उसके बिना हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, सो द डिग्री वी सरेंडर बोलने का ये पॉइंट था, सरेंडर टू गुरुज इंस्ट्रक्शन वी विल गेट द मर्सी।
हम गजेंद्र का एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है ना, गजेंद्र की तरह हम क्यों वी कांट कॉल आउट फॉर कृष्णा। वो एक है कि एक रीजन है कि हमको अभी भी पता नहीं कि हम माया के यानी कि क्रॉक आज मगरमच्छ के, वो हमको ये पता नहीं कि हम मगरमच्छ के मुंह पे फंसे हुए हैं सर। देयर इज वन थिंग दैट वी कांट, वी आर नॉट कॉलिंग आउट। ठीक है, चल रहा है। और फिर हमको ऐसा भी लगता है, ठीक है ना, माया थक जाएगी थोड़ा देर, है ना, माया वो ट्राई कर रही है, बट थोड़ा इवेंचुअली इतना तो नहीं सताएगा, थोड़ा तो यू नो हम बोलते हैं ना डिवर्ड से सब ठीक हो जाएगा तो बोलते हैं ना माया छोड़ देगी ना, गिव इस ऑल। तो ऐसा नहीं है, माया विल टेस्ट। तो महाराज को पूछते थे ना, राधानंद महाराज को पूछा था, कब तक माया हमारे को टेस्ट करेंगे? तो महाराज ने बोला, जब तक आपको ना इधर से लेके जाएगा, गोलोक वृंदावन तक लेके जाएगा, और उधर तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब तक नहीं बताता है, तब तक माया वोंट लीव यू, नो, क्योंकि सॉरी हेवी स्टेटमेंट। तो हमको ऐसा लगता है कि माया इवेंचुअली छोड़ देंगे हम, तो इसलिए हम वी डोंट कॉल आउट सो हेल्पलेसली। और दूसरा है कि हम सोचते सरेंडर मीन्स, हाँ, एक टिक इन अ बॉक्स बोलता है ना, अच्छा मैंने सुबह मंगल आरती कर दिया, टिक मार दिया, सुबह उठ के 16 माला कर दिया, टिक मार दिया, मैंने ये सेवा किया है, ठीक है मैं ये सब कर रहा हूँ, टिक टिक टिक। ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन सरेंडर वो नहीं है, सरेंडर इज हेल्पलेसली कॉलिंग आउट। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ, इतना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि यू नो इट्स कंप्लीटली हेल्पलेसली कॉलिंग आउट। और गजेंद्र का एस्पिरेशन भी था, मतलब अंदर का क्या था गजेंद्र को, ऐसा नहीं था कि अच्छा चलो हो गया, भगवान आ गया छुड़ा दिया, मैं वापस फैमिली के पास जाता हूँ, थैंक यू कृष्णा मेरे को यू नो क्रोकोडाइल के मगरमच्छ के मुंह से निकाल दिया, ये नहीं था एटीट्यूड। इट वाज कंप्लीटली, उनको समझ में आया कि मेरे पास द सो कॉल्ड आई मीन फैमिली ने कोई हेल्प नहीं कर पाया, आई मीन इट्स ओनली यू कृष्णा, आई जस्ट वांट यू। एंड वाज कंप्लीटली उनका प्रेयर्स, हमको टाइम नहीं है कि प्रेयर का एक 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 वर्ड्स, वो डिपेंडेंसी एंड सरेंडर का है। तो ऐसा नहीं, एक तो मैं तो महाराज राधानाथ महाराज बोल रहे कि यू नो अगर गजेंद्र को ऐसा लगता था कि मैं वापस जाऊंगा तो और एक अजगर बेचता था, आई मीन और एक मगरमच्छ बेचता था। तो इसलिए इट्स लाइक दैट। तो हम हर एक, ऑफ कोर्स ये जो हर एक आंसू जो है हम बहाते हैं भगवान के लिए कृष्ण भावनामृत में, उस हर एक आंसू का भगवान उसका अकाउंट रखते हैं, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वी हैव टू हेल्पलेसली यू नो क्राई आउट, वो डेस्परेशन होना चाहिए गजेंद्र की तरह, वी हैव टू रियली प्रे। तो हरिभक्त विलास में आई जस्ट गिव यू थिंग्स, सिक्स सिक्स लिम्स ऑफ सरेंडर है, चैतन्य चैतामृत में भी इसमें आता है। पहला जो है सिक्स लिम्स है, अनुकूल्यस्य संकल्प। तो हमको सबको पता है अनुकूल्य से क्या करना चाहिए, फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस, हमको सबको पता होता है, लेकिन कभी कभार हम फेसबुक व्हाट्सएप में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी चीजों में भी। तो देयर इज वन थिंग, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए तो उससे दूर। वो हमको पता है क्या क्या अनुकूल है, सब सब पता है, मैं उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और तीसरा है, रक्षस्यातिति विश्वासो, यानी कि हैविंग फेथ दैट कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, ये तीसरा पॉइंट सरेंडर का है। जैसे कि अर्जुन को, अर्जुन ने वाव लिया था जयद्रथ को, है ना, महाभारत में, कि मैं जयद्रथ को, अभिमन्यु के साथ उन्होंने जयद्रथ ने वध किया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं, हाँ मैं सूर्यास्त में होने से पहले जयद्रथ को वध करूंगा, नहीं तो मैं यू नो अग्निकुंड में अपने को खुद को समर्पण करूंगा। तो
भगवान ने तो अर्जुना वॉज फाइटिंग एंड देन अर्जुना सोचे कि नहीं अभी मैं हार जाऊंगा, अभी सूर्यास्त हो गया है, तो भगवान ने सूर्य को ढक लिया, सब हम पता है सूर्य को ढक लिया, एंड देन इसलिए कृष्णा इज द प्रोटेक्टर, तो बोलते राक्षस आदि विश्वासो। और फोर्थ है गोपत्र ते वर्चना, यानी कि कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। तो उसमें शिवास ठाकुर का एक एग्जाम्पल होता है, ऑफ कोर्स वी कांट इमिटेट, ये तो को हमको दिखाने के लिए ना कितना विश्वास होना चाहिए, इससे हमको ये विश्वास होने, जब महाप्रभु बोलते कि शिवास आप कुछ करते नहीं हो, शिवास आप कैसे अपने परिवार को मेंटेन करते हो, तो शिवास बोलते हैं कि ऐसा तीन ताली बजाते, एक दो तीन, तो बोलते हैं शिवास ये क्या है, तो बोलते हैं कि मैं जब फर्स्ट तीसरे ताली में आता हूँ ना, तो मेरे को ये विश्वास है कि भगवान सब प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो मैं अगर तीसरे ताली तक मारने तक मेरे को सपोर्ट नहीं मिला या मैं भगवान का ये नहीं मिला, तो मैं गंगा में अपना शरीर त्याग कर लो। तो ऑफ कोर्स हम उनको से हमको काम करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कि हम ताली बजाएंगे तो आएंगे, हम वी आर नॉट शिवास ठाकुर, वी आर नॉट पार्षद नहीं, तो वी हैव टू डू आवर ड्यूटी लाइक अर्जुना, वो भी एक सरेंडर है जैसे अर्जुना ने सरेंडर किया था, एक है द्रौपदी का सरेंडर है, एक एक अर्जुना का हेल्पलेस, द्रौपदी का भी हेल्पलेसली सरेंडर, हेल्पलेस एंड होपलेस दिखाए थे, लास्ट मोमेंट तो द्रौपदी को था कि मैं खुद रक्षा करेंगे, तो साड़ी का ऐसा पकड़ के लास्ट मोमेंट तक समझ ला दुशासन है, वो तब तक आ गया तो वो पॉइंट पे आ गया, नहीं अभी नहीं होगा, तो हम भी ऐसा पकड़ के रखते हैं बहुत सारे चीज, हमको ऐसा लगता है कि वी कैन ऑल्सो क्या है, हम जीत सकते हैं इसमें, लेकिन फाइनली वी द्रौपदी समझते कि हाँ नहीं है, देन कृष्णा कम्स एंड एवरीवन नोस द फर्स्ट सारी का फैक्ट्री बन गया था पहला। तो ऑफ कोर्स अर्जुना भी ऐसा नहीं कि हम लेजी बन जाए, यू नो डिवोट बगा अच्छा आ जाएंगे, यू नो हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब देख लेंगे, ऐसा नहीं, अर्जुना हैड टू फाइट द बैटल, सो वी विल हैव टू आल्सो फाइट, वी विल हैव टू आल्सो डू द नीडफुल, हमको भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तो ये है। और जैसे वही बोलो गोपतृत्वे वर्चना, कृष्णा इज ओनली मेंटेन, जैसे कि हम देखते हैं ना भगवान सबका मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक एंट होता है और एलिफेंट भी, उनको भी प्रोवाइड करते हैं ना भगवान, तो That is the one thing. और दूसरा है कि आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप ये है कि कंप्लीट सबमिशन, पूरा सरेंडर, उसका एग्जाम्पल ऑफकोर्स गजेंद्र का है, बलि महाराज जब वामन देव आए थे ना, तो बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, अपने पास जो है, हम भी ऐसा करते हैं ना, हमारे पास जो हम देते, लेकिन खुद को लास्ट को समर्पण खुद को किया था, यू नो जैसे थर्ड स्टेप में बोला था अभी क्या, तो कम्प्लीटली वो गुरु का गुरु, उनके खुद के गुरु बोले तभी भी वो सुने नहीं, लेकिन है ना ही जस्ट वेंट ऑन व्हाट हिज हार्ट सेड रिपोर्ट, यू नो कृष्णा आए तो अभी और कुछ नहीं मांग रहे, तो इज कम्प्लीटली सरेंडर, वो खुद को सरेंडर किया था, तो उसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप, कम्प्लीटली सबमिशन ऑफ वनसेल्फ। और होता है कर्पण्य, कर्पण्य दैट इज द सिक्स्थ लिम्ब ऑफ सरेंडर, यानी कि हमको फीलिंग ह्यूमिलिटी, बिकमिंग मीक एंड हम्बल, इनसिग्निफिकेंट मांगना, हम कुछ नहीं है, यानी कि त्रिनाद अभी सुनिश्चित तरोर अभी सहिष्णु माने द माने कीर्तनीय सदा हरि, ये जो ह्यूमिलिटी जो है ना, नम्रता, ये हमारा गले का एक ऑर्नामेंट है, हमारा महाप्रभु बोलते हैं, तो उसको हमेशा पहनना चाहिए। जब भुर्जन प्रभु और जगत तारिणी माता जी, तो भुर्जन प्रभु को प्रभुपाद ने बोला कि आपको हांगकांग में प्रीच करना है, तो भुर्जन प्रभु को बोले आप कपल्स हो के जाओ, जगत तारिणी माता जी को भेजो, बोले आप उनसे शादी कर लो, सो सरेंडर, ऐसा कोई नहीं है कि हमको बोले कि कोई सरेंडर शादी कर लो, बोले तो हम लोग कितना है
क्या बैकग्राउंड है, यू नो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दैट, बट देन वो डिग्री ऑफ सरेंडर देखो कितना है। तो उनसे शादी करना है बोल दो, ओके शादी कर ले, ऑफ कोर्स फॉर प्रीचिंग। तो $250 लेके गए थे करीबन, तो एक ब्रोकर को दे दिया था। तो उस ब्रोकर ने, तो वो ब्रोकर $250 लेके चला गया उसका तो पता नहीं है किधर गया। तो कुछ नहीं, उनके पास कितना सरेंडर है। तो वो क्या करते थे, वो आजू बाजू में कोई थे लोग, उनको कुछ देते थे, उससे प्रसाद थोड़ा लेते थे, और पार्क में सोते थे उन लोग रात को। कम से कम उन्होंने 15 दिन ऐसा उन्होंने स्पेंड किया है। देखो तो क्या सरेंडर है, पूरा 15 days they were spending शादी के बाद पार्क में, ये करना कोई नहीं है, कितना सरेंडर। लास्ट में वो ब्रोकर वापस मिल गया उनको, एंड देन उनको वापस वो $250 दे दिया। तो जिससे देखो किस तरह अपने आप को समर्पण किया। श्रील प्रभुपाद का खुद का लाइफ एग्जाम्पल है ना, कि किस तरह उन्होंने अपना पूरा, उसके पहले विभीषण, ये जो एग्जाम्पल है विभीषण का भी एग्जाम्पल बोल गया मैं, विभीषण का भी कम्प्लीटली ये 6 limbs कवर करते हैं। विभीषण का भी जो विभीषण बोलते हैं ना, अनुकूल्य पहला पॉइंट बोला, अनुकूल्य संकल्प, मतलब जब हनुमान जी आए उनका, उनके साथ उन्होंने संग किया, जो अनुकूल था उन्होंने ले लिया, प्रतिकूल था जब रावण का पूरा उन्होंने सब छोड़ दिया, भले उधर रहते हुए भी उन्होंने अपना पूरा त्याग कर लिया, अनुकूल नहीं है तो रावण को छोड़ दिया और राम का शरण में आ गए, यू ऑल नो। सो ये सब क्वालिटीज विभीषण के में भी है, विभीषण पूरा 6 limbs कवर्ड है। श्रील प्रभुपाद भी ऑफकोर्स, श्रील प्रभुपाद के बारे में क्या बोले पूरा पूरा लाइफ अपने गुरु के प्रति प्रेम पूरा समर्पण कर दिया। और तो एक बार भक्त ने पूछा कि, बातचीत कर रहे थे एक डिवोटी को पूछा, ये गोपी का सरेंडर क्या है, गोपी का ये भाव कैसा आएगा गोपियों का है। तो बोला गोपियों का भाव जानना चाहते हो, गोपियों श्रील प्रभुपाद ने प्रभुपाद को देख 70 साल में उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया, उससे ये गोपी को सरेंडर का सिमिलर है। तो ये बता रहे थे, तो नहीं भाई ये जो 6 limbs है ऑफ भक्ति, तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी किस गजेंद्र की तरह वो सरेंडर, द डिग्री वी सरेंडर द डिग्री विल गेट द मर्सी। तो मेरे में भी कुछ सरेंडर नहीं है ऐसे ही, आई एम जस्ट प्रेइंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि मे बी मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के प्रति सरेंडर हो जाओ। अभी भी बहुत सारा होल्डिंग, ये है वो है पकड़ के रखा हूँ, सो प्लीज प्रे ईच वन ऑफ यू बट आई ऑल्सो कम्प्लीटली सरेंडर टू माई गुरु कृष्णा एंड श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण, अनंत कोटि वैष्णव की जय।